सो ही दी पोकेमोन डेनस, आप सभी का स्वागत है पोकेमोन अनबाउंड के इस नए एपिसोड में। और गाइस पोकेमोन अनबाउंड के पिछले एपिसोड के अंदर भाई हम लोग बन गए थे इस गेम का चैंपियन। और भाई उस एपिसोड पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा वाला रिस्पांस आया, तो थैंक्स लॉट आप सभी को। और उस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप में से ज़्यादातर लोग ने भाई मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोले भाई चैंपियन बनने के लिए। सो थैंक्स लॉट आप सभी को जितने भी लोग ने भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोले थे। और भाई मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं दे सकता कमेंट में, क्योंकि भाई अब देखो ज़्यादातर लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। सो अगर मैं सबको रिप्लाई देते बैठूंगा तो भाई बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, और इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही भाई मैं आप सभी को भाई दिल से आप लोग की इज्जत करता हूँ। और भाई मैं आप लोग को मतलब दिल से भाई आप लोग को मैं थैंक यू बोलता हूँ। और ये भाई देखो इसके लिए भाई मैं आप लोग को हर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकता, आप लोग भी समझ सकते हो इस बात को। इसके लिए भाई मैं आपको आज ही भाई सभी को थैंक यू बोलता हूँ दिल से। और गाइस आप लोग ने ना भाई मेरे को बोला है कि भाई इस गेम को मैं मतलब पिछला एपिसोड में देखो अपना गेम कंप्लीट हो गया था क्योंकि हम लोग चैंपियन बन गए थे, बट भाई गेम का पोस्ट पार्ट अभी बाकी है, मतलब कि पोस्ट गेम। और आप लोग ने बोला भाई कि पोस्ट गेम भी कंप्लीट कर, और पोस्ट गेम में जो पहला ही पार्ट है भाई उसके अंदर अपनी मॉम किडनैप हो चुकी है, ऐसा आप लोग ने वो कमेंट करके बताया है। और भाई किडनैप करने वाले बंदे का नाम क्या पता, एक लव भाई, वही बंदा जिसको हम लोग ने धो दिया था एकदम अच्छे से, बट वो बंदा भी पूरी तरीके से हारा नहीं है भाई। और इसने भाई इस बार बहुत ही बड़ा काम कर दिया, मतलब कि उसकी सजा ना भाई उसको मैं एकदम मतलब बहुत खतरनाक वाले दिन मतलब बहुत खतरनाक वाला देने वाला हूँ। चलो यहाँ पे बातचीत बहुत हो गई भाई, पहले मैं अपने रूम के अंदर चल के देखता हूँ, वाकई में देखते भाई मेरी मॉम किडनैप हुई कि नहीं। ओके लग तो रहा भाई किडनैप हो गई, यहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ है। PGH, आई हैव टेकन योर मदर इन टू द डेप्थ ऑफ द रूइंस ऑफ वॉइड। ओके डेप्थ मतलब काफ़ी अंदर लेके गया भाई वो रूइंस ऑफ वॉइड में। कम अलोन इफ़ यू एवर वॉन्ट टू सी हर अगेन। ओके भाई तो यहाँ पे सीन क्या है पता, ये बोल रहे मतलब ये जो मूवीज़ वाले सीन होते भाई, पहले ना भाई वो लोग किडनैप करेंगे, फिर बाद में भाई बोलेंगे अकेले आना, अगर बाकी लोगों को साथ में लेके आया तो भाई उसके मैं दूर से जैसे तुम लोग दिख जाओगे ना पूरे झुंड में आओगे अगर, तो मैं उसको दूर से ही ख़त्म कर दूंगा। सो यहाँ पे सीन क्या हो गया पता है, कुत्तों ने महारानी को किडनैप कर लिया है, और जो महारानी के बेटे हैं मतलब कि शेर लोग हैं, उनको कुत्ते बोल रहे भाई अकेले आना, अगर झुंड में आओगे तो हम तुम्हारी मतलब तुम्हारी मॉम को भाई दूर से अगर तुम्हारा झुंड हम लोग ने देखा तो ख़त्म कर देंगे। सो यहाँ पे महारानी किडनैप हो चुकी है, महारानी की बेटा यानी मतलब मैं राजकुमार हूँ, और राजकुमार को भाई महारानी को बचाने जाना है। अब देखते हैं भाई क्या सीन होता है, एक मिनट। वैसे महारानी की बेटी को राजकुमारी बोलते ना, आई डोंट मेरे को पता नहीं भाई, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो भाई क्या बोलते हैं, बट मेरे ख्याल से भाई जो महाराज और महारानी का बेटा होता है उसको राजकुमार ही बोलते हैं जब तक वो राजा नहीं बने भाई। ओके ओके मैं सही जा रहा हूँ भाई, मेरे को पता है। तो यहाँ पे कुत्तों ने महारानी को पकड़ लिया है, अब महारानी की बेटी को जाके बचाना पड़ेगा अपनी मॉम को। ओके सो गाइस अभी हम लोग को अकेले जाना पड़ेगा भाई, शेर अकेले ही आता है, टेंशन नॉट। ओके शेर अकेला ही आता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और वो भाई एकलव भाई कुत्तों की झुंड में पूरा छुपा हुआ होगा मेरे को पता है, ऐसे मैं कुछ ज़्यादा भाई बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरा थोड़ा सा मतलब रियल लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ उसको, और मेरे को लगता नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को करना क्या है, बाय एन ADM इन सीपोर्ट सिटी एंड रेस्क्यू योर मॉम फ्रॉम एकलव। ओके भाई हम लोग को ADM खरीदना है सीपोर्ट सिटी से। ओके हम लोग चलते फ्लाई करके। अब भाई पिछली बार हम लोग को अलैन और अलैन के फादर भी मिले थे, और वो लोग बोले थे भाई कि सीपोर्ट सिटी के अंदर कुछ नए मतलब रिनोवेशन टाइप हुआ है, जहाँ पे भाई बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर आते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ फिलहाल, मैं भूल रहा हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा उसका नाम क्या भाई, सीपोर्ट मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ओके ये क्या है भाई, रूट 15 वीविल टाउन, गुरुन टाउन। ओके ये क्या भाई, विक्ट्री रोड, पोकेमोन लीग, ये क्या है भाई सीपोर्ट। ओके बैटल, हाँ बैटल फ्रंटियर में भाई वो अलैन और अलैन के पप्पा जी गए हैं बैटल फ्रंटियर को चेकआउट करने, और हम लोग को भी चल के देखना है। ओके यहाँ पे भाई लेट मी ट्राई पोकेमार्ट के अंदर ADM मिलता है कि नहीं। ओके मेरे को लगता है कि मिल जाना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी खरीदने वाली चीज़ यहीं पे मिलता है, यहाँ पे तो भाई फिलहाल पोकेबॉल्स मिल रहे हैं। ओके और हाँ आप में से मेरे को काफ़ी सारे लोग ने बोला था कि भाई जो ADM है ना उसकी प्राइस भाई 5 लाख रुपये, तो भाई मैंने उस हिसाब से भाई थोड़े पैसे यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, मैंने वैसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर लिए, मैंने 7 लाख रुपये कलेक्ट कर लिए। और अगर आप लोग भी कलेक्ट करना चाहते हो भाई आप चीट कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको चीट कोड भाई चाहिए तो आप लोग भाई मेरे सेकंड चैनल को जाकर चेकआउट करो जिसका नाम है पोके चीट्स, वहाँ पे भाई मैंने इन्फिनिट मनी की चीट कोड दे दिए, तो आप लोग भाई उसका भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहो तो। और अगर आप लोग भाई नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट अगर आप लोग को भाई इसकी आगे कंप्लीट करना है गेम को, तो भाई आपको 5 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि भाई आप लोग को ज़मीन फाड़ के आसमान फाड़ के कहीं से भी निकालो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर भाई ADM नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से मिलेगा भाई, आई डोंट थिंक भाई यहाँ पे, तो एक मिनट को नीचे देखने दो, हो सकता है छुपा के रखा हो लोग ने। ओके ADM नहीं है भाई यहाँ पे भी नहीं है, मेरे को कुछ याद करने दो भाई, मैंने कमेंट्स तो काफ़ी सारे लोग के पढ़े थे, और मेरे को कोई ना किसी ने तो बताया होगा भाई कहीं ना कहीं तो मिल सकता है।
अब भाई किसी ने मेरे को केबीटी एक्सप्रेसवे के बाजू वाले घर में बोला था, मतलब कि बाजू वाला घर मतलब ये हो सकता है। लेट मी ट्राई मिल सकते हैं यहाँ पे भी, थोड़ा देखते हैं चेकआउट करते हैं। केबीटी एक्सप्रेसवे के बाजू में बोला था भाई किसी ने, एक बंदे ने मेरे को बोला था, पता नहीं क्या कहाँ से ही ने भाई, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को जाना कहाँ है, आई डोंट नो, लेट सी। ओके क्या मैडम जी आपको पता है, इनको तो कुछ भी नहीं पता। ओके यार केबीटी एक्सप्रेसवे के बाजू में, ओके बाजू में यही एक घर ही क्या, मेरे को देखने दो। राइट मैंने अभी लेफ्ट में देखा, जो राइट में भी मेरे को चेक करने दो। केबीटी एक्सप्रेसवे, ओके ये देखो ये रहा केबीटी एक्सप्रेस। ओके यहाँ पे भी एक है भाई कमरा, इसके ऊपर गेट के ऊपर डॉलर का साइन भी, मतलब एस मतलब डॉलर ही होता है। कैप्टन डेविस शिपयार्ड, वी विल बिग बोट्स, ओके बड़े बोट्स बनाते ही हैं। ओके यहाँ पे एक बोट तो रखा हुआ है भाई, क्या ये बेचेगा मेरे को। यू सी डेट बिग ब्लैक शिप, दैट्स द प्रोटोटाइप फॉर बोट कॉल्ड द शैडो, इट वॉज डिजाइन टू बी एबल टू ट्रेवल्स द ओशियन साइलेंटली इन द डेड ऑफ नाइट। अ मिस्टीरियस मैन हु कॉल्ड हिमसेल्फ जेड फाउंडेड इट कंस्ट्रक्शन। ओके ओके मेरे को लगता नहीं भाई कैप्टन से मेरे को बात करनी पड़ी। ओके ये कैप्टन लग रहा है मेरे को भाई, इसके पास शिप भी एक। दिस शिप्स आर पार्ट ऑफ द सेगल लॉप में क्या है ये सेगल लॉप, पता नहीं सेगल लॉप ही होगा, हाई स्पीड सीरीज। दे मे बी स्मॉल बट दे कैन मूव ओवर द ओशियन फास्टर देन एनी बिग शिप। ओके ओके भाई ये काफ़ी स्पीड में जाते हैं, मतलब ये स्पीडेस्ट हो सकते हैं। ओके भाई काफ़ी सही है कैप्टन, यहाँ पे मेरे को ढूंढना पड़ेगा, आई थिंक सो कि यहीं पे कहीं पे हो। ये लड़की तो कैप्टन नहीं होगी भाई, कैप्टन अक्सर लड़की होती है, ये साइंटिस्ट नहीं होगा भाई। ओके ये भाई सबसे अलग दिख रहा है मेरे को, यही कैप्टन लग रहा है। ओके है माय नेम्स कैप्टन डेवी, कैप्टन डेवी की कैप्टन डेवी भाई। मी बॉयज हियर फिनिश्ड वर्किंग ऑन एन एडवांस डिगिंग एंड डिविंग मशीन, इट्स ए स्पेशल आइटम यू कैन स्ट्रैप ऑन टू योर पोकेमॉन टू लेट हिम यूज एनी एच ए मूव एंड इट कैन इवन प्रोवाइड यू विथ ऑक्सीजन इफ यू गेट अ पोकेमॉन टू टेक यू अंडर वाटर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग इट कॉस्ट। ओके भाई तो 5 लाख का यही आइटम है। ओके एडीएम मेरे को मिल चुका है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। कैप्टन अ मशीन डैट कैन बी यूज टू क्लियर ऑब्स्टिकल्स एंड माइन अंडर वाटर और इन द केबीटी एक्सप्रेस वे यूजेस आर ओके एंड गो टू अलॉन्ग विथ इट लेट मी गिव यू दिस टू लेट मी गिव यू टू भाई यहाँ पे काफ़ी सारे भाई सब टाइटल्स में मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बड़े बड़े गेम्स में से छोटी छोटी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू, नाउ लिसन यू, नॉट ओनली कैन यू यूज द एडीएम इंस्टेड ऑफ एजीएम्स, यू कैन ऑल्सो यूज इट टू माइन फॉर ट्रेजर। द वॉल्स ऑफ द केबीटी एक्सप्रेस वे एंड सी फ्लोर एंड लाइन विद गुडीज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू डिग एम आउट। If you in either of those places, set your R button mode to mining scan in the option menu and press R. If there are any spots around you where you can dig for treasure, the ADM will light up. Just hit A next to one of those spots to start digging. सो गाइस यहाँ पे जो ए डी एम है ना उसकी काफ़ी सारी मतलब एक दो मोड्स हैं और उसमें से एक मोड है भाई कि आपको सेटिंग में जाके R बटन वाला मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा और वो आर बटन वाले मोड की हम लोग को ज़रूरत है कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट अभी तो मेरे को जाना भाई रूइंस ऑफ वाइड के अंदर और वहाँ पे मेरे को फ्लाई करके जाना पड़ेगा भाई, ढूंढना पड़ेगा मेरे को मैप के अंदर कहाँ पे। ओके सिलाजिल भी फ्लाई कर सकता है, ये थोड़ा मतलब जमा नहीं मेरे को, बट कोई दिक्कत नहीं, रूइंस ऑफ वाइड यहीं कहीं होगा भाई, पता नहीं पूरे मैप में देखना पड़ेगा मेरे को अभी। टर्मेगन में क्या करना भाई, थंडर कैप एम्प्टी नहीं चाहिए मेरे को, रूइंस ऑफ वाइड देखना है, फ्लैश और अंडरग्राउंड पास तहल टाउन नहीं चाहिए मेरे को भाई। ओके अर्बन, ओके रूइंस ऑफ वॉइड रोड 14, ओके यही है भाई रूइंस ऑफ वॉइड। ओके रूइंस ऑफ वॉइड की डेप्थ में लेके गया, मतलब कि अंदर लेके गया भाई वो, उसको तो छोड़ूंगा नहीं भाई आज तो उसकी भाई ऐसी तैसी कर दूंगा मैं, लेट्स गो। ओके डस्ट क्लॉप्स भाई परेशान ना करो मेरे को, अरे भाई यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन भी आते। ओके सेबिल आई भाई इसके लास्ट में आई आते हैं, मतलब कि आँख, आई मतलब आँख ही होता भाई मेरे को पता, इतना तो मेरे को पता है भाई। ओके मैक्स एप्पल बहुत अच्छा चीज़ है भाई अपने लिए। ओके मैं सही जा रहा हूँ क्या, पता नहीं मैं सीधा सीधा आ गया यहाँ पे ओ भाई सीढ़ी यहाँ पे, मैं इसके पहले यहाँ पे आया हूँ भाई, मेरे को जहाँ तक याद है मैं यहाँ पे आया हूँ और इसके अंदर भाई मैंने एक पजल सॉल्व किया था जो कि हुप्पा का था, शायद से हुप्पा हूँ ना हुप्पा अनबाउंड का था, आई डोंट नो भाई मेरे को आई डोंट करेक्टली रिमेंबर भाई मेरे को ठीक से याद नहीं, बट मैं यहाँ पे आया हूँ भाई रूइंस ऑफ वॉइड के अंदर जहाँ तक मेरे को याद है। ओके यहाँ पे एक मिनट, ओके यहाँ पे हम लोग डाइव कर सकते, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई,
द एडीएम अलाउड यू टू गो अंडर वाटर, ओके ओके। यहाँ पे जो सबमरीन है भाई, एडीएम मतलब सबमरीन, ओके। ये क्या सीन है, रूट 14, ओके ओके रूट 14। एक ही मिला, पोकेबॉल मिला। सी सॉल्ट, ओके सी सॉल्ट क्या ही कर लेगा भाई, हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा ये फटाफट। ओके यहाँ पे भी कुछ ये पता नहीं, उसने कुछ बोला तो था वॉल्स का। यहाँ पे ए बटन दबाने से कुछ हो गया, अरे भैया कुछ हो जा, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, टूट जा। आर बटन वाला मोड उसने बोला था, बट मेरे को ध्यान नहीं देना उसके ऊपर भाई, आई डोंट नो। ओके यहाँ पे एक कमरा है, ये भी भाई बंद है, पता नहीं मेरे को। वैसे बाय द वे मैंने अपने एक मिनट देखने दो मेरे को क्या करना है, मैक्स ए पे यूज़ करने दो। बाय द वे मेरे को ठीक से पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ पे भाई, बट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। मेरे ख्याल से मैं भटक रहा हूँ रास्ता, एक मिनट में यहीं से वापस आया था क्या? नहीं नहीं ये अलग ही रास्ता है भाई, अलग रास्ता है। मेरे को लगा कि मैं जहाँ से आया था भाई वहीं वापस आ गया, ऐसा मेरे को लगा। ओ भाई एक आइटम के लिए इतना दूर आना पड़ा भाई, लिटरली ये तो काफ़ी पकाऊ चीज़ है भाई, पकाऊ चीज़ है। तो वापस चल भाई, वापस चल, काफ़ी गलत जगह पे आ गए भाई हम लोग। अरे भैया यहाँ, अरे लेफ्ट चल भाई, नहीं राइट चल, राइट चल, ओके अभी चल सीधा सीधा चल भाई तू। ओके यहाँ से नीचे हो जा भाई तू, नीचे, अरे भाई नीचे हो। ओके अब मैं शायद से सही जगह पे आया हूँ, ओके पतली गली से निकल लूँ। ओके यहाँ पे, ओके रीसर्फिस रियून शॉफ ऑडी, कहाँ पर टपक गया भाई मैं, ये कौन सी जगह है, ये कहाँ आ गया भाई मैं। ओके यहाँ पे एक आइटम है, ओके टीम 48 सिल्क स्क्वाप मिला, ओके पता नहीं मैं कहाँ पे टपक गया भाई, बट ठीक है चलो जो मिला उठा लो, उठा के रख लो बैगवा के अंदर और निकल लो यहाँ से। ओके यहाँ पे एक बहुत लंबी वाली पतली गली है, रिपेल वगैरह सब खत्म होते जाते हैं बट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे भी एक, ओके यहाँ पे जैसे आप ये मतलब चमकदार सरफेस पे आओगे आपको बी बटन दबा देना है और कुछ नहीं। मैं भी बी बटन दबा के भाई ऊपर आ जाता हूँ, फिर ये बटन दबा के नीचे चले जाता हूँ। ओके यहाँ पे, अरे नहीं नहीं एक मिनट रुको, मैं सही जगह पे आ गया क्या, रियून्स ऑफ वॉइड बी वन यहाँ पे क्लियर डॉल है। एक मिनट मेरे को और आगे चेक करने दो, कुछ होगा तो भाई मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सही जगह पे आया कि नहीं। ये क्या है, अरे ये पजल है तो मतलब यही कुछ होगा भाई, यही कुछ होगा, यही जगह सही होगा भाई। बट अंदर क्लियर डॉल क्या कर रहे भाई, क्लियर डॉल पता नहीं क्या सीन है, मेरे को लगता है लोग बाजू से निकल जाना है मेरे को। लेट्स गो भाई, ये क्या सीन है भाई, क्या भाई क्लियर डॉल, इसको पकड़ने की कोशिश करूँ क्या, अरे डॉल, ओके डॉल तेरा नाम क्लियर डॉल है। एक मिनट ये तो एक टेलीपोर्टर जैसा है भाई, ये साइड से भी नहीं जाने दे रहा भाई मेरे को। वन मिनट भाई, इसके पहले जब मैं आया था रियून्स ऑफ वाइड के अंदर, सो ऐसा ही कुछ तो पजल मेरे को एक और बार, मतलब ये हिसाब से मैंने किसी जिम के अंदर सॉल्व किया था पजल। ओके मेरे को इसकी भाई आँखों के सामने नहीं आना, जो कि इसके साइड्स में भी आँख होते हैं। और ये देखो यहाँ पे, ओके ये एक स्विच है, इसको चालू करो। ओके एंशिएंट स्विच भाई, कहाँ से अगला वाला कहाँ से आएगा, यहाँ पे नीचे भी, ओके ये आ रहे हैं भाई चपड़ गंजू, चल जाने दे मेरे को। ओके ओके मैं कोपची में जाके बैठ जाता भाई, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है लास्ट में आएगा क्या, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं 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 वो बच गया मैं, निकल लिया भाई पतली गली से। अरे भैया क्या मिला, नगेट मिला, इतने एक नगेट के लिए इतना दूर आना, सही बात है क्या। एक मिनट रुको मेरे को सीधा, अरे भाई पहले उसको आने दो, कहाँ है बे, आया कि नहीं, भाग जा भाई। अरे रिपेल किधर, गलत जगह पे ख़त्म हो रहा भाई, तू आ गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, किधर है वो, आज आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई भागने के लिए तैयार हो, वो एक मिनट, एक मिनट, भाग 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 भाई, भाग 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 ना भाई। ओके ऊपर चलते, ओके यहाँ पे तो हम लोग ने चालू कर ही लिया है। ओके भाई बच गए इससे तो हम लोग बच गए। ओके यहाँ पे एक रास्ता खुल चुका है। सो गाइस यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे को गेम को सेव कर देना चाहिए भाई, टाइम टाइम पे मेरे को गेम को सेव करना चाहिए, वरना भाई अगर ये क्लियर डॉल अगर मेरे को पकड़ ले तो मेरे ख्याल से वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर डाल देगा मेरे को वो। आई डोंट थिंक भाई क्या होगा मेरे साथ में, आई डोंट नो भाई, रियली आई डोंट नो क्या होने वाला मेरे साथ। ये क्लियर डॉल्स मेरे को काफ़ी खतरनाक लग रहे, मैंने गेम्स को सेव किया नहीं अभी भाई, मैंने एक भी बार सेव नहीं किया। अरे निकल भाई यहाँ से, भाई पकड़ लिया, अभी ये कहाँ पर डालेगा मेरे को पता नहीं। ओके ओके फिर से स्टार्टिंग से। सो गाइस मेरे को भाई गेम को बार बार सेव करने दिया करो, ना भाई मेरी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरे को गेम को बार बार सेव करने पड़ेगा। वैसे उस पजल को मैंने नीचे गिराया था, सो आई डोंट थिंक कि मेरे को वापस गिराना पड़ेगा उसको। ओके यहाँ पे कोने में आ जाओ भाई, कोने में आ जाओ, कोने में आके एक टाइम बच सकते हैं हम लोग। अरे नहीं बच पाएंगे भाई, पकड़ लेगा भाई, पकड़ लेगा, काफ़ी तगड़ा है भाई ये। ओके एक मिनट, यहाँ पे आने के बाद भाई वापस से मेरे को स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ा, मतलब कि ये अलग पजल हो गया। अरे भाई ये बंदा काफ़ी स्ट्रांग है, इससे बचना पड़ेगा मेरे को। ओके तू जा नीचे, मैं भी तेरे पीछे भी जाता हूँ, तू जा भाई। अरे भाई यहाँ पे घुसने का रास्ता था बट मैं घुस नहीं पाया,
ये भी दिक्कत है ना। चलो अरे ये अब ज़्यादा ही हो गया भाई, इसके एक कदम मेरे को पीछे चलना पड़ेगा। ओके ओके, अरे भाई काफ़ी स्पीड हो गया, मैं काफ़ी स्पीड हो गया। इसके जस्ट मेरे को जाना पड़ेगा भाई जस्ट। अरे भाई मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, आई डोंट नो भाई मेरे को क्या करना चाहिए यहाँ पे। भाई यार ना मैं सिर्फ मतलब भाई ये काफ़ी ख़तरनाक पज़ल है यार भाई साहब, ये भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार, पकड़ ले रहा है यार ये। एक तो इसके चारों तरफ आके भाई ये बहुत दिक्कत करता है यार। घुसने दे यार, घुसने दे, क्यों नहीं घुसने दे रहा भाई मेरे को तू। ये तो भाई इधर ही ले लिया भाई अपन को, भाई क्या बात है यार। चल भाई जा तू, यार क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है ये। अरे यार साइड में चल, साइड में चल, क्यों नहीं जा रहा यार। ये बहुत खतरनाक भाई, भाई काफ़ी खतरनाक पज़ल है ये बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके अब भाई मतलब मेरे को इसके पीछे नहीं, मेरे को इसके आगे चलना पड़ेगा अगर सॉल्व करना है तो। अरे भाई ये भी आ रहे चपड़ गंजू, चल यहाँ पे साइड में चल भाई, तू ऊपर नीचे मत कर। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं तू जा यार यहाँ पे। अरे भाई 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 ये दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई वापस से भाई, कचड़े जगह पे वापस आना पड़ा मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस बार मैं साइड में जाऊँगा, तू जा भाई। ओके ये सही है ना, ये सही है कि नहीं मेरे को पता नहीं, कोई और भी आ रहा है भाई यहाँ पे। ओके नीचे से निकल जा रही है, मेरे को साइड में रहना पड़ेगा भाई, इसके पीछे जाने से कुछ नहीं होगा, इसके आगे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे खड़े रहूँगा तो छाँव में हूँ मैं, पता नहीं पकड़ पाएगा कि नहीं। अरे भाई इतना धीरे चलेगा तो फिर हो गया काम ख़त्म। ओके इस बार, ओके ये जगह काफ़ी सही है भाई, इस बार मैं काफ़ी सही जगह पर आया हूँ। ओके चल भाई निकल ले, निकल ले भाई पहली फुर्सत में निकल ले। अरे नहीं भाई इससे भी बच के निकल लेते भाई, इधर कोई ना आए, कोई ना आए, कोई ना आए, प्लीज़ प्लीज़ कोई मत आना इधर। अरे ये तो इधर आ रहा है भाई, ये तो और ख़तरनाक है। अरे नहीं यार मेरे को वापस यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा यार। चलो यार निकल लो यहाँ से। अरे चपड़ गंजू तू भी पकड़ ले रहे भाई मेरे को यार, ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। नहीं यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे तो फंस ही जाएंगे। चल निकल ले भाई। अरे भाई ऊपर आ गया मैं, ऊपर आ गया सच में, ये पज़ल काफ़ी ख़तरनाक है भाई, मेरे को बहुत कंफ्यूज कर रहा है भाई पज़ल सच में भाई, दिमाग घुमा दिया इसने। एक मिनट रुको, इसको मेरे को स्पीड में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे भी पकड़ रहा है भाई, तो मैं जाऊँ किधर, वेयर भाई मैं मतलब वेयर इज़ द रास्ता बड़ी, किधर जाऊँ। एक बार सॉल्व किया था मैंने, ये तो यहाँ पे भी पकड़ रहा है भाई, तो मैं जाऊँ किधर, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। एक मिनट में ऊपर जा सकता हूँ क्या, ये कहाँ तक जाते भाई, ये तो ऊपर जाते पूरा, ये तो भाई ले लेगा भाई अपन को, भाई ले लेगा भाई, ये तो भाई धो देगा अपन को, पक्का धोएगा ये एकदम, मतलब साबुन पाउडर सब लगाएगा, टेंशन नॉट। चल भाई इस बार ओके, यहाँ पे मैं रुक भी नहीं सकता ना, लेट मी ट्राई, क्या मैं वहाँ पे रुक सकता हूँ क्या, मेरे को पता नहीं। ओके यार क्या यार तू भी क्यों रोक रहा है भाई, मेरे को जाने देना यार, ये तो भाई रास्ते में मेरे को ले ले रहा है यार। चल यार तू ही पहले जा यार, क्या करूँ, अगली बार जैसे मैं ऊपर जाऊँगा ना मैं भाई, मैं सेव करूँगा गेम को, बहुत हो गया यहाँ पे, इतनी मुश्किल से मैं भाई पहले चले गया था। ओके मेरे को एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर मैं रुकूँगा तो एक मिनट पहले वो आके चले जाएगा तो मैं बच सकता हूँ। अभी मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जली है, पता नहीं ये इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत हार्ड है। यहाँ पर अगर मैं रुकता हूँ तो ये ओके दोनों से नहीं बच पाऊँगा भाई मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को करना क्या है। एक मिनट इसको आके जाने दो फिर ट्राई करते, अभी गया अब ये जाएगा। ओके 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 तो इसको एक दो बार आके जाने देते उसके बाद ट्राई करेंगे। एक मिनट रुको, अगर ये आ रहा है सो अब मेरे को जाना चाहिए ना। ओके इसको आने दो, अब इसके पीछे पीछे हम लोग चलते हैं। ओके पीछे पीछे भी जाके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, ये पकड़ ही रहा है हमको। ओके इसके आगे ही जाना पड़ेगा भाई। ओके रुको यार, रुको मेरे को जाने दो यार, क्या करूँगा समझाने, थोड़ा फास्ट में करते क्या। अरे नहीं भाई ये तो और मुश्किल है, एक मिनट रुको इसके एक कदम पीछे चलते, एक मिनट रुको, हमेशा आगे जाना फ़ायदेमंद नहीं होगा, कभी पीछे भी चल के देखो, कभी कभी पीछे वाला रास्ता भी काफ़ी सही हो जाता है भाई। इस बार मैं जा सकता था, लिटरली मैं जा सकता था, इसके पीछे वाला रास्ता काफ़ी काम कर रहा है। अरे यार थोड़ा यहाँ पे मैं ज़्यादा फास्ट हो गया, चलो कोई नहीं कोई नहीं।
भाई यार दिमाग ख़राब हो गया, पज़ल बहुत हार्ड यार, बहुत हार्ड है। मन कर रहा है छोड़ दूँ मगर नहीं छोड़ूंगा। अरे यार इतना स्पीड मत चल यार, थोड़ा साइड में भी मुड़ा कर भाई, बहुत हार्ड है ये पज़ल। ओके इस बार मैं मुड़ गया हूँ भाई, इस बार मैं मुड़ गया हूँ। आई डोंट थिंक इस बार मैं पकड़ा जाऊँगा। ओके गाइस इस बार मैं आ गया भाई बच बच के। यहाँ पे गाइस मैं गेम को सेव कर रहा हूँ, लिटरली भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। यहाँ पे मेरे को एक बार गेम को सेव करने तो भाई बहुत दिक्कत हो गई। ये चपड़गन जो भाग इधर से भाग भाग। ओके गाइस यहाँ पे मैंने एक बार भाई गेम को सेव किया है पूरी पज़ल के अंदर। अरे भाई जाना यार क्यों पका रहे हैं, जा। ओके कोने में नहीं जाता, मेरे को कोने में जाने दो। ओके ये कोने में नहीं जाता भाई, कोने में नहीं फिरता ये। ओके यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, ओके रास्ता खुला है अपने लिए। ओके एक और गया भाई, ओके यहीं तक आते। अरे भाई रुक रुक, ओके अरे भाई रुक, फिर फंस गया मैं। ओके क्या बचाओ भाई इससे, क्या ही बचाओ मैं। नहीं भाई रुक जा रुक जा, ये तो भाई एकदम कतई ख़तरनाक है भाई ये तो। मैंने गेम को सेव किया था, ओके इस बार यहीं से शुरू हो रहा है भाई। एक बार फिर से मेरे को गेम को सेव करने, तो काफ़ी अच्छी जगह पे आ गया हूँ मैं। वैसे गाइस एक पज़ल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई, काफ़ी ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल पज़ल है। और इसको भाई सॉल्व करने में को पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा एक घंटा 50 घंटा, मतलब 50 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया। आधे घंटे एक घंटे में काम हो जाना चाहिए भाई अपना, बहुत होता है। अरे नहीं ये ऊपर भी आ रहा है, ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये ऊपर भी आएगा यार। वैसे ये पज़ल आखिरी हो सकता है क्योंकि, अरे घुस जा तू अंदर, घुस जा भाई इससे तो मैं बच ही जाऊँगा। चल तो एकदम ऊपर ही चिपक जा, एकदम ऊपर चिपक जा। ओके एकदम ऊपर नहीं आता ये। ओके मेरे को एक मिनट रुको, मेरे को समझ में नहीं क्या करना है। मेरे को इसके पीछे पीछे चलूँ क्या कि साइड साइड से चलूँ इसके। ये भी पकड़ेगा यार, तू भी भाई नल्ला ही मरेगा क्या यार। एक मिनट में सॉल्व कर सकते हो इसको, या आई विल सॉल्व इट, आई विल सॉल्व इट। अब मेरे दिमाग में घुस गया बात। ओके घुस जा, अरे भाई रुको रुको मैं सही काम कर रहा था, मेरे को सीधा जाके घुस जाना चाहिए अंदर। मेरे को समझ में आ गया अभी किसको कैसे सॉल्व करना, समझ में आ गया मेरे को। मेरे दिमाग में खोपड़ी में कभी कभी कुछ बात घुस जाती है। अब एकदम ऊपर चलो भाई, एक मिनट मेरे को इसको आने देना चाहिए था भाई, ऊपर तक आने देना चाहिए था, मैं थोड़ा घाई कर दिया मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाती है भाई इतनी बड़ी 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 गलतियाँ मेरे से। ओके इसको पहले आने दो, अब इसके पीछे पीछे चलो यार। अरे एक मिनट रुको, ये तो भाई रिटर्न जाके आ जाता है, ये काफ़ी परेशान करेगा भाई हम लोग को, काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा ये। अरे चलना भाई इसको, एक मिनट रुको बाजू वाले को ना एक बार ऊपर जाने दो, फिर हम लोग निकलेंगे लेंगे यहाँ से। वो ऊपर भी नहीं जा रहा भाई, क्या सीन है। अरे भाई आ जा, रिपिल की ऐसी की तैसी भाई, परेशान मत कर भाई। वो ऊपर भी नहीं जा रहा है, क्या बात है भाई ये तो, क्या भाई। ओके वो ऊपर जाएगा ना अभी, तो हम लोग निकल लेंगे भाई थोड़ी देर इधर से। अरे यार मेरे को स्पीड में जाना पड़ेगा यहाँ पे ना, लिटरली मेरे को बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा। अरे यार मैंने गलती कर दी, सच में मैंने गलती कर दी, मेरे को थोड़ा और भाई रुकना चाहिए था यहाँ से। चलो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर वो वापस आता है तो अपनी बात बन जाएगी। मेरे को एक बार इसको भाई जाके दिखना पड़ेगा। ओके पहला इसको तोड़ना पड़ेगा। ओके अब वो आएगा, मेरे को एक बार वेट करना है यहाँ पे उसको, एक और बार आने दो भाई। ये मेरा सामने वाला भी भाई काफ़ी पका हुए, क्या भाई काहे को पका रहे मेरे को। अब निकल लो यहाँ पे फुल स्पीड में, एक और ये क्या, अभी एक ऊपर गया एक यहाँ पे। दिस इज़ नॉट फेयर भाई, दिस इज़ नॉट फेयर, ये तुम गलत कर रहे हो भाई मेरे साथ। ओके मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो भाई ये लोग तुम। ओके ओके एक तो मेरे को पकड़ ही लेगा भाई, एक तो पकड़ ही लेगा मेरे को, ये मेरे को समझा नहीं भाई, मेरे पेट में ये बात हजम नहीं हो रही है पता नहीं क्यों। ओके भाई मैं कैसे क्रॉस करूँगा भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रही कैसे क्रॉस करना है यार। लास्ट वाला काफ़ी हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड है भाई। ओके भाई भाग जा यार भाग जा। अरे एक मिनट रुको एक मिनट रुको, ये वाला हो सकता है सॉल्व, मेरे को नीचे से जाने तो। एक मिनट रुको ये हो जाएगा सॉल्व, अब मेरे को समझ में आया थोड़ा सा। और अरे घुसना भाई अंदर यार, क्या यार क्या बात है यार क्या बात है। एक मिनट रुको, मैं कभी कभी और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ ना, कन्फ्यूज़न में और गलती हो जाती मेरे से। ओके ये देख लो भाई, हम लोग को ऊपर से बात नहीं बनता तो नीचे घुस जाओ, ये सही सीन है। ओके एक और रास्ता भाई, एक और पज़ल हम लोग को कहीं से सॉल्व करना पड़ेगा, आई डोंट नो किधर है बट करना पड़ेगा भाई। ऊपर से बात नहीं बनती तो नीचे से घुसो और क्या ही करोगे।
भाग भाई भाग इधर से भाग। अरे पकड़ लिया इसने, चल मेरे को उधर वापस छोड़ दे, जैसे मेरे को जाना ही का था। अब सही यहीं पे मेरे को आने का था ना भाई। ओके मेरे को ऊपर जाने का है ना, ऊपर ही रास्ते तो खुला नहीं भाई अभी तो, कब जाना है मेरे को। चल तो भाई वापस डाल दे मेरे को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मिनट रुको मेरे को गेम को सेव करनी, तो मेरे को जाना कहाँ है फिर। तू भी लेके चल भाई मेरे को ऊपर लेके चल, मेरे को ऊपर ही जाना है साथ से। अब पता नहीं भाई कहाँ पे जाना है मेरे को, क्या भाई मेरे को जाना कहाँ पे बता दे, इससे आगे चलना ना मेरे को। भाई मैंने गेम को वहाँ पे सेव नहीं किया यार, एक और पजल कहाँ पे पता नहीं मेरे को। भाई मेरे को वापस जाना कि नहीं यार पता नहीं चल रहा भाई, क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये पजल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भाई, काफ़ी ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। ओके इसके आगे आगे मेरे को चलना है ना, एक मिनट में भूल गया था। एक मिनट में को एक बार यहाँ पे गेम को सेव करना है, तो उसके बाद में पीछे दिख गया तो कोई पजल मैंने छोड़ दिया साथ से। भाई थोड़ा सा पीछे चलते और देखते कोई पजल हमने छोड़ा है क्या, मेरे ख्याल से मैंने छोड़ा है कुछ तो छोड़ा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ छोड़ा, अरे भाई तू क्या यार, तेरे को तो मैं बहुत मारूंगा अभी, दिमाग ख़राब कर दिया इसने मेरा। ओके इसके पीछे पीछे, ओके इसके पीछे नहीं इसके आगे चलना है हम लोग को। ओके ये सीन सही है, इसके आगे कैसे। ओके इसको एक बार वापस फिरने दो भाई, मंडराने दो उसको, जाने दो, अटैक करो अभी, घुस जाओ यहाँ पे। ओके यहाँ से निकल लो भाई, इसको भी मंडराने दो कोपचे में। अरे नहीं 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 कोपचे में भी नहीं जा सकते हम लोग, ये नीचे वाला मेरे को सीन सही लग रहा है, थोड़ा यहीं पे जाना है मेरे ख्याल से। भाई काफ़ी हार्ड पजल यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे को सॉल्व कैसे करना है यार इसको। वैसे मैंने गेम को सेव किया था माइट भी, तो फिर मैं थोड़ा फंस नहीं सकता यहाँ पर, बच जाऊँगा। तू भी लेके चल भाई मेरे को अपने अड्डे पर भाई। और कितने स्विचेस, ओके तो स्टार्टिंग पे ला के छोड़ दिया इस बंदे ने मेरे को। यहाँ पे भाई मैंने स्विच चालू किया था, इसका भी स्विच मैंने चालू कर दिया था, तो मैंने कौन सा स्विच छोड़ा यार मेरे को भी तो बताओ कम से कम, मैंने कौन सा स्विच छोड़ा है यार। मेरे ख्याल से मैंने एक भी स्विच छोड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से नीचे वाला स्विच छोड़ दिया मैंने। घुस जा भाई यहाँ पे। ओके नीचे वाला स्विच मैंने छोड़ा है साथ से, बच गया मैं इससे यार। मेरे को साइड से, ओके मेरे को साइड से आना, ये मैं भूल गया था साइड से आना मेरे को। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है भाई पजल को सॉल्व करते करते, भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आई नो बट मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं लिटरली बहुत कन्फ्यूज़ हो गया भाई पजल में। और अब तो ओ भाई स्पीड में नहीं होगा भाई, स्पीड में बिल्कुल नहीं होगा। ट्राई करता था कि एक बार स्पीड में करने की ट्राई करते, बट हुआ नहीं, होगा भी नहीं भाई, बहुत मुश्किल है ना इसके लिए। अरे भाई कंट्रोल किधर है भाई, कंट्रोल किधर है, उंगलियों की और दिमाग के बीच में कंट्रोल तो गायब ही है मेरा। चलो कोई नहीं भाई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट उस बट वैसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट, वी विल डू इट गाइस, वी विल डू इट। ओके भाई घुसना अंदर क्यों रुका है, यहाँ पे रुको मेरे को एक बार गेम को सेव करने दो। ओके मैंने गेम को सेव कर लिया, मेरे को नीचे से जाना है ना। अरे भाई साहब एक मिनट को मेरे को वापस से सेव फाइल लोड करने दो। ओके यहाँ पे भाई अब मेरे को चिपक के जाना नीचे से, एक मिनट उसको ऊपर जाने दो फिर निकलते। ओके भाई ये चपड़गंजू जा जा। अरे नहीं मेरे को ऊपर ही रहना चाहिए था भाई, मैं बीच में आके फंस जाता हूँ, रुको एक मिनट वापस से। एक और बार भाई ट्राई करते, एक और बार, इस बार तो हो जाएगा पक्की बात है, इस बार हो जाएगा। ये मेरे को यहाँ पे दूसरे नंबर पे रुक जाना चाहिए। ओके और ये एक मिनट रुको, ये काफ़ी बाहर ही रुकता है भाई, अंदर नहीं जाता। एक मिनट रुको फिर से मेरे को करने दो भाई, फिर से करने दो, समझ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, बट कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा हूँ। ओके एक और बार फिर से ट्राई करेंगे भाई, एक और बार फिर से भाई, काफ़ी लंबा पजल है ये। ओके दूसरे नंबर पे ना यहाँ पे, ओके यहाँ पे, ओके जब ये इधर निकलेगा ना तो हम लोग निकल लेंगे यहाँ से, यहाँ पे तो हम लोग आ ही सकते हैं। ओके यहाँ पे एक और आ रहा है भाई, बच के रहो बच के रहो बच के रहो भाई, बच के रहो बच के रहो। कहाँ से जाना है भाई समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को, कहाँ से जाना है। अरे भाई थोड़ा थोड़ा भाई, थोड़ा सा अगर मैं धीरे जाता ना काम हो जाता अपना, थोड़ा सा धीरे जाता काम हो जाता, फिर से ट्राई करते फिर से। ओके इस बार मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इस बार भाई प्रैक्टिस मैंने अच्छी वाली, मेरे को समझ में आ गया। एक मिनट रुको मेरे को बीच में आके रुकना था ना, एक और बार ट्राई करेंगे, पिंच नॉट। ओके गाइस यहाँ पे मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ भाई, फिर से ये पजल बार बार ट्राई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे रुकने की यहाँ पे, ओके यहाँ पे रुक सकते हैं हम लोग, वन मिनट रुको मेरे को इसके साथ साथ जाना पड़ेगा भाई धीरे धीरे। ये यहाँ तक आ रहे ना, ओके यहाँ तक आ रहे, ये पता नहीं भाई यहीं तक आ रहे ना। अरे भाई थोड़ा स्पीड में ज़्यादा कर देता हूँ, अपने थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर देता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट थोड़ा स्पीड मेरा ज़्यादा हो रहा है मेरे को पता है। एक मिनट रुको फिर से स्टार्ट करते भाई, बहुत लंबा पजल हो रहा है ये। ओके गाइस इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ अभी भाई मेरे को एकदम हलवा लगने लगा, यहाँ तक तो एकदम हलवा हो गया अपने लिए।
यहाँ तक एकदम हलवा हो गया, इसके आगे थोड़ा भाई मुश्किल हो रहा है अभी। ये यहीं तक आता है ना भाई? ओके, यहाँ तक हम लोग यहाँ पे खड़े रह सकते हैं क्योंकि यहाँ तक आता ही नहीं है वो। और इसके बाद एकदम धीरे धीरे हम लोग चले जाएंगे उसके पीछे पीछे। अरे भाई ऊपर क्यों नहीं चढ़ा यार, मुड़ने में थोड़ा टाइम लग गया गाइस, सॉरी सो सॉरी, बट इस बार मैंने एकदम सही किया था भाई, पता नहीं क्यों। ओके मैं सही जा रहा हूँ, अब की बार तो मैं कर लूँगा भाई। अब की बार मैं एक मिनट रुको, यहाँ पे बीच में सेव कर लेता भाई गेम को। कहाँ तक आएगा चपड़गंज, यहाँ तक आ रहा है। रुको एक बार यहाँ पे मेरे को सेव करने दो क्योंकि यहीं पे बार बार मैं फंस रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी मैंने गेम को सेव कर लिया, जैसे ही आएगा ना इसके पीछे पीछे निकल लो। घुसना भाई ऊपर घुसना, किसका इंतजार कर रहा है यार ये, मैं बीच में अटक जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेंशन नॉट, मैं काम करता भाई इसको, मैं वहाँ पे पहुँच के मिलता हूँ आप लोग से भाई, वरना इसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। ओके गाइस, एक और बार ट्राई करते भाई और देखते क्या सीन होता है। धीरे धीरे निकल लो घुस। अरे यार यहाँ पे मैं आके रुक जाता हूँ, पता नहीं भाई क्यों क्या सीन होता है, मैं सर पे यहाँ पे आके मैं फंस जाता हूँ एक और बार। ओके गाइस, इसके साथ साथ लिख लो। अरे यार थोड़ा स्पीड हो गया, थोड़ा स्पीड हो गया, कोई बात नहीं। ओके एक और बार, इस बार भाई थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। ओके ये गया, ये गया, चलना भाई थोड़ा इतना आगे आ गया भाई, मैं थोड़ा ज़्यादा दब गया था। ओके सॉरी सॉरी, बट इस बार फिर से ट्राई करता भाई। ओके गाइस, इस बार मैं कोई गलती करने के मूड में नहीं हूँ फिलहाल तो। ये गया, ये गया, ये गया। अरे भाई भाग 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 यार, फिर से वही गलती हो गई यार, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करना भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, देखते भाई हमको कितनी प्रैक्टिस लगी यहाँ पे जाने के लिए। ओके भाई फाइनली हम लोग आ गए भाई, फाइनली देख रहे हो भाई, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके एक और स्विच है भाई, ये पता नहीं कितना इसने मेरे को दौड़ा इस स्विच ने। ओके चल भाई तू मेरे को नीचे लेके चल, वही मेरे लिए अच्छी बात है। चल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई तू, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू। जा भाई एक बार जा ऊपर जा, मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे भाई मैं फंस गया, अरे यार अब ये नहीं सॉल्व हो रहा यार, एक सॉल्व होता है तो दूसरा अटक जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है भाई मेरे लिए। बट कोई ना भाई, इतना प्रैक्टिस किया मैंने कि अब सब कुछ हलवा हो गया अपने लिए। हलवा तो मैं ही हो गया भाई, मैं ही हलवा हो गया, बाकी सब हार्ड मैं ही हलवा हो गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और हम लोग परफेक्ट हो गए हैं अभी फिलहाल। मैं इसको ना मेरे को एक ही बार दबाना है, लेफ्ट वाले बटन को मेरे को एक ही बार दबाना है, बट मैं उसको भाई थोड़ा दबा के रख देता हूँ, उसके लिए दिक्कत होती है। इस बार नहीं कुछ भाई, इस बार तो दबा ही नहीं वो भाई, क्या बात है, कन्फ्यूज हो गया ना थोड़ा सा इसके लिए। निकल गया भाई यहाँ से तो मैं निकल गया। अब इससे भाई इनको आगे आगे जाना है कि पीछे पीछे, इसके पीछे पीछे साथ से मेरे को जाना है, पता नहीं इसके भी आगे। अरे आगे आगे जाना है भाई, पीछे पीछे किसी के जाओगे तो फंस जाओगे, आगे आगे चलो। तो आ तो एक बार सही, आ तो मैं बताता हूँ तेरे को, आ तो तू सही भाई। सही टाइम पे बटन ही नहीं दबता है भाई, मेरे से बटन ही नहीं दबता है। एपिसोड भाई अपना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया इस पजल के चक्कर में, आई नो भाई काफ़ी बड़ा हो गया अपना एपिसोड भाई। रिपेल गलत टाइम पे मत ख़त्म हो, गलत टाइम पे मत ख़त्म हो भाई, ये तो एकदम पकड़ ही लिया भाई इसने, पकड़ के तोड़ ही दिया मेरे को। ओके इसके पीछे पीछे मेरे को चलना चाहिए। ओके मैं बच गया, ये कोपचे में नहीं आता ना। ओके निकल लो साइड से इसके। ओके एक मिनट रुको, मेरे को गेम को सेव करने दो, लिटरली मेरे को सेव करने दो। ओके मैंने सेव किया भाई, सेव करते करते इसने मेरे को पकड़ लिया। अरे भाई फिर से एक मिनट रुको, मेरे को वहाँ पे लोड करने दो, मैं भाग जाऊँगा तुरंत लोड करके। ओके गाइस अभी मैं यहाँ पे आ गया भाई, सेव सेव वगैरह करके मैं यहाँ पे आके अटक गया फिर से। इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरे को जा नहीं देगा कि नहीं है, ये ऊपर नहीं जाता ना। चलो ठीक है, ये ऊपर नहीं आता तो हम लोग बच सकते इससे अभी भी, वी हैव द चांस। ये भी वहाँ पे घुसेगा, हम लोग यहाँ पे घुस जाएंगे। अरे भाई चलना यहाँ पे घुस, वहाँ पे मत जाना, फंस जाएंगे फिर से। ओके ओके भाई निकल यहाँ से, निकल, ये भी यहीं तक आता है ना। ओके ज़्यादा दूर तक नहीं जाता ये भी। अरे घुस, अरे भाई क्या बात है यार, क्या बात है। अरे फिर से यहाँ पे, फिर से मेरे को लोड करने दो। ओके गाइस फिर से मैं यहीं पे आके फंस चुका हूँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरी, पता नहीं कब सॉल्व होगी ये दिक्कत। ओके चपड़गंज वाला निकल भाई यहाँ से, तो निकल, मेरे को ऊपर जाने दे, तो ऊपर नहीं आता ना मेरे, कोई बात पता है। इस बार मैं भाई जैसे यहाँ पे होल के अंदर जाऊँगा ना, मैं सेव कर लूँगा यहाँ पे। चल भाई यहाँ पे एक बार मैं सेव कर लेता हूँ गेम को। एक बात अगर मैं सच सच बताऊँ ना, अगर इस गेम में सेव वाला सिस्टम नहीं होता ना, हम लोग भाई बहुत बुरा अटकते, बहुत ही बुरा अटकते भाई हम लोग। अगर सेव वाला सिस्टम नहीं होता ना इस गेम में तो बहुत बुरा फंसते। अरे भाई साहब तू कहाँ फेंकेगा अभी? ओके तो यहीं पर फेंका भाई, ये काफ़ी अच्छा काम किया इसने, इसको तो मैं समझ चुका भाई। ये ऊपर से खुल गया कि रास्ता? ओके खुल गया भाई ये। अरे ये भी क्या यार, किधर किधर से टपकते भाई, एक एक करके मत आओ, साथ में आओ साथ में आओ।
झुंड में आओ यार, क्या बात करते यार तुम लोग भी, कितने क्लेडोल है भाई यहाँ पे, क्लेडोल की ऐसी की तैसी भाई, किसने इनको 50 आँख दिया भाई, चारों तरफ आँखें आँख आँखें यार, क्या यार दिमाग घुमा दिया भाई इसने मेरा तो। चल भाई तू निकल ले, ऊपर ही रहना तू, ये भी बंद है बंद है भाई, तू किधर, ओके उधर तक ही रहेगा ना, उधर तक ही सीमित है ना, तो भाई बहुत अच्छी बात है, मेरे को ऊपर ही जाने दे भाई। ओके यहाँ पे एक लास्ट वाला मेरे ख्याल से, ओके चपड़ गंजू, चल मैंने सॉल्व कर दिया इसको, निकल ले भाई यहाँ से, ये तो आसान है भाई, ये आसान बंदा है, इससे इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ये तो भाई किधर, मेरे को सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ने देगा भाई ये, भाई एक मिनट रुको, मेरे को गेम को सेव करने दो, मेरे को कोई भी रिस्क नहीं लेना। ओके तो यहाँ पे मैंने गेम को सेव कर लिया, पता नहीं क्या होगा भाई, बैटल वैटल, इससे बैटल होगा कि चढ़ने नहीं देगा क्या पता भाई, ये आगे जाने, अरे पकड़ लिया, कहाँ फेंक, ओके इथेरियल वॉइस, ओके ये भाई फेंकेगा नहीं हम लोग को, पता नहीं क्या करेगा। प्रूव योर वर्थ टू द गार्डियन ऑफ द रूइंस इफ़ यू विश टू पास, ओ भाई इतना बड़ा हो गया भाई, ओके ओके ये बोल रहा भाई अपने आप को साबित करो कि तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। इसका लेवल 80 है, मेरे पोकेमॉन का कितना है, ओके 80 82 है, मैं डर गया था कहीं 70 75 ना हो भाई, थोड़ी सी डर लगी थी मेरे को क्योंकि इतना मुश्किल से मैंने पजल सॉल्व किया था, और अगर फिर से सॉल्व करना हो तो भाई रहने दो भाई, मुझसे ना हो पाएगा भाई, हो जाएगा बट बहुत टाइम लगेगा, एबी का एपिसोड ही देख लो, इतना लंबा पजल भाई, लिटरली दिस पजल इज़ वेरी हार्ड भाई, वेरी हार्ड। वैसे मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे लिए इतना हार्ड नहीं होगा, बट सच में ये बहुत ख़तरनाक पजल था भाई, बहुत ख़तरनाक था। बाइट अटैक सुपर इफेक्टिव, इसके ऊपर तो बाइट ही कर ना भाई, क्या जाता है बाइट ही कर। ओके इसको मैंने कर लिया है, डायनामैक्स हो गया, इसको मैं पकड़ सकता हूँ क्या, लेट मी ट्राई टू कैच हिम हर, जो भी है भाई उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ट्राई करूँगा इसको पकड़ने की। मैक्स मैन माइंड स्टॉर्म कर रहा है भाई, ओके 1 hit की मत हो जाना भाई, वरना बहुत बुरा लगेगा मेरे को, दिल से बुरा लगेगा। वैसे ये 1 hit की कैसे होगा भाई, खुद भी तो डायनामैक्स हो रखा है ये। ओके मैक्स गेस, इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव दिखाया, इसके लिए मैंने किया, देखते क्या सीन होता है, कितना डैमेज देता है। 1 hit को नहीं होगा, कोई भी 1 hit की वो नहीं होता भाई यहाँ पे, 1 hit की वो कोई नहीं होता यहाँ पे फिलहाल तो, कोई भी नहीं होगा भाई, इसको हराने में काफ़ी दिक्कत होगी अपन को। ओके इसका डिफेंस, ओके एग्रेसिव मोड ऑन हो चुका है। ओ भाई रेन वगैरह बंद करो यार, बंद करो बारिश, मेरे को नहीं मांगता बारिश यार। बैटल मैंने क्यों स्लो में किया है भाई, फास्ट करने दो, ये पकाऊ चंद लोग कब जाएंगे, लेट मी ट्राई टू कैच। ओके हम लोग पोके बॉल अभी नहीं फेंक सकते, तो ये भी गलत ही बात है भाई। अरे भाई इसका डिफेंस तोड़ना, ओके एक तो तोड़ा इसने, ओके भाई मैक्स पैक कर रहा है, अब तो लक्सरी तो जाएगा भाई यहाँ पे, अगर उसको लगा तो लक्सरी जाएगा, जा भी सकता है बच भी सकता है, ओके बच गए हैं, जहाँ तक मैंने सोचा था जाएगा भाई, लगभग चले ही गया था भाई, बस थोड़े से HP पे बच गए हैं। ओके इसके ऊपर ये सीन, ओके डिफेंस इसका कम हुआ, ओके बहुत बढ़िया, स्पेशल डिफेंस वगैरह इसका कम हो रहा है भाई। मैक्स गेसर करते रहे भाई, मैक्स गेसर करते रहे, फिर से भाई इसने अपना डिफेंस कर लिया, मैक्स माइंड स्टॉर्म। वैसे मैंने गेम को सेव किया था इसके पास आने से पहले, मेरे को वाटर की ज़रूरत है ना इसके लिए। मैक्स गेसर इसके तीनों डिफेंस तोड़ पाएगा कि नहीं आई डोंट नो, बट लगता तो है तोड़ देगा। ओके दो तोड़ा इसने, फिर से भाई ये लिफ्ट ओवर्स भी इसके पास क्या है यार, फाइटर में भी ग्राउंड के ऊपर फाइटिंग सुपर इफेक्टिव होता है, बट ओके इसका भाई टूट गया। ओके मडी वाटर अर्थक्वेक नहीं दिखा रहा ना, ओके आइस टाइप अवेलेंज भी दिखा रहा, तो यही ट्राई करते एक बार। मीटियोर मैस, ओके मैं क्लोज कॉम्बैट ही करेगा, लगा तो लगा वरना फिर तेल लेने गया भाई अटैक, टूट गया इसका डिफेंस, अग्रेसिव डिफेंस नहीं टूटा के, ओके टूटा डैमेज, ओके थोड़ा सा डैमेज भी पड़ा है, चलो ये सही है भाई, क्या कर रहा है भाई ये। ओके द वाइल्ड क्लेडोल निल फीड द स्टैट चेंजेस एंड एबिलिटीज ऑफ द पोकेमोन, ओके मैक्स क्वेक किया भाई, देखो अपने ग्राउंड को इतना इफेक्ट नहीं होगा, फाइटर को काफ़ी इफेक्ट, ओके 1 hit किया हो गया भाई, काफ़ी इफेक्ट मेरे को लगा था इसको पहुँचेगा और वही हुआ भाई। अब इसके लिए मेरे को भाई ओके मैक्स रॉकफोर्ड भाई दुगना अटैक, मतलब एक साथ दो दो, ऐसे इसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपने ग्राउंड को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई इसके अटैक से। एवलेंच ओके फेंट हो जाए, ओ भाई इतना कम डैमेज, इसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी, और इसका फिर से वही गलत सीन हुआ यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम लोग ने पज़ल को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेले, अब ये पका रहा भाई, पहले पज़ल सॉल्व करो फिर इससे बैटल करो। अब मेरे को लगता नहीं इससे ज़्यादा कुछ मैं कर पाऊँगा आज के एपिसोड में, इसको हराते ही बस वहीं तक आज का एपिसोड भाई ख़त्म है, जो भी कुछ बचा होगा भाई नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे, अपनी मॉम को बचाने का ना वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग करेंगे। आज के लिए तो भाई बहुत ही बड़ा एपिसोड हो गया अभी, अभी तक तो बहुत बड़ा हो गया अपना एपिसोड, और ऊपर से ये बंदा भाई हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, इसका डायनामिक्स भाई फेंट हो गया, जिस पोकेमोन से भाई मैं इसको हराने वाला था वही फेंट हो गया, तो मैं इसको हराऊंगा कैसे, ये दिक्कत बहुत बड़ी हो गई भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ना ग्रास भी इफेक्टिव होता है जहाँ तक मेरे को याद है। ओके ओके लीव स्टॉर्म इफेक्टिव, ओके
इसका डिफेंस ही टूटेगा यार इससे तो। एग्रेसिव डिफेंस भाई एक ही टूटा यार। डैमेज दे फेंट, ओ भाई इस बार ये फेंट होगा, बहुत जल्दी फेंट होने वाला है। मैक्स माइंडस्टॉर्म नहीं, फेंट मत होना। 180 KO नहीं, 180 KO नहीं, ओके नहीं हुई भाई, नहीं हुई। डिफेंस नहीं, इसका डिफेंस फिर से मत लगना, फिर से मत लगना, फिर से नहीं, फिर से नहीं, ओके इस बार नहीं लगा, इस बार हम लोग जीत सकते हैं। ओके फेंट हो जा, फेंट हो जा, ओके क्रिटिकल हिट लग गया, फेंट हो गया, ये हो गया भाई, चलो हो गया ये। क्लेडॉल काफ़ी तगड़ा पोखो ने भाई अभी जाके मेरे को, ओके यू हैव प्रूवन योर वर्थ, ओके तो हम लोग ने भाई अपने आप को साबित कर दिया। अभी सीढ़ी से ऊपर मेरे ख्याल से मेरे को जाने पे मेरी मॉम दिखाई देगी या फिर एक लव वगैरह जो भी होगा भाई। फिलहाल तो मैं जाने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि भाई पजल ने मेरा दिमाग का सत्यानाश कर दिया है। और आखिरी बैटल में भी भाई मेरी हालत थोड़ी सी पतली हो गई है क्योंकि मेरे पोकेमोन्स की हालत देख लो भाई क्या होके रखी है। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भाई मेरे पास जो आइटम्स है ना उसका यूज़ करके मेरे को अपने पोकेमोन्स का तो कम से कम पहले फुल हेल्थ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा वरना फिर तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं भाई, बिना हीलिंग के मैं आगे नहीं जाऊंगा। पता नहीं एक लव टपक गया कहीं से, बैटल स्टार्ट कर लिया तो मेरे को हार के फिर से उतना पजल सॉल्व मैं नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं, मैं कर ही नहीं सकता भाई उतना, मतलब कर सकता बट इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास यार, आई एम बिजी गाय, आप लोग को पता ही होगा। चलो भाई लोग क्या लगता है आपको आज का एपिसोड आप लोग को कैसा लगा? मेरे ख्याल से आप सभी लोग को भाई अच्छा ही लगा होगा क्योंकि आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो फिर तो भाई मज़ा तो आया होगा आप लोग को। और ये पजल सॉल्व करने में भाई हालत पंचर हो गई है भाई, दिमाग उमाग सब हिल गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ने भाई आखिरी में आते 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 टाइम बर्बाद करते करते हम लोग ने भाई पजल को सॉल्व कर लिया। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आप सभी लोग को कैसा लगा, आई होप सो कि आप सभी लोग को भाई मज़ा आया होगा। और बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को। और हाँ प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और नेक्स्ट एपिसोड देखना भूलना मत भाई क्योंकि हम लोग जाएंगे अपनी मॉम को बचाने, महारानी हम लोग आ रहे हैं, आपका राजकुमार आ रहा है, टेंशन नॉट, ओके आपका बेटा आपका राजकुमार आ रहा है आपको बचाने, महारानी मेंशन नॉट, टेंशन नॉट, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आपका बेटा आ रहा है आपको बचाने के लिए, ओके तो राजकुमार तैयार है अपनी मदर को बचाने के लिए भाई। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर राजकुमार अपनी मम्मी को बचाएंगे जो है यहाँ की महारानी। आज के लिए बस इतना, बाय बाय टाटा सी यू, कल मिलेंगे नए धमाकेदार एपिसोड में। और ये वाइल्ड पोकोइन कहाँ से टपक गया भाई, ओके काफ़ी तगड़ा दिख रहा है भाई, भूतिया पोकोइन भाई, मैं डर गया भाई, बहुत गंदा वाला डर गया, भाग यहाँ से, भाग 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 भाग, ओके बाय बाय गाइज़।